Hello everyone, today the topic is the transfer of property 8, 1882 and section 6, what may be transferred, subsection H. No transfer can be made, number 1, and so far it is opposed to the nature of the interest affected thereby. तो ये हम सबका फंडामेंटल राइट होता है, बुनियादी हक है कि हम अपनी कोई भी चीज़ या कोई भी इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं. लेकिन कुछ इंटरेस्ट या कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप ट्रांसफ़र करेंगे तो वो ट्रांसफ़र उन इंटरेस्ट की या राइट्स के अपोजिट में हो जाएगा. जिस तरह के आपकी ज़मीन है और सबकी ज़मीन के ऊपर हवा या सन बीम्स होते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट या वो सन बीम्स या वो एयर आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो आप ट्रांसफ़र करेंगे जब उनकी अपोजिट में हो जाएगा. आप किसी भी तरीके से सन बीम्स शेयर नहीं कर सकते, उनको पकड़ कर या उनको किसी जगह पर कलेक्ट करके या एयर को कलेक्ट करके आप शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज़ इन देयर अपोजिशन ऑफ देयर नेचर. तो इस तरह आप इन इंटरेस्ट को शेयर नहीं कर सकते जो कि उनकी नेचर की अपोजिशन में होते हैं. उनके अलावा कोई भी आप अपना राइट या इंटरेस्ट शेयर कर सकते हैं जो कि आपका लीगल राइट है. तो ये भी आपका लीगल राइट होता है, क्योंकि हर किसी की ज़मीन के ऊपर सनबीम्स भी होते हैं और एयर भी होते हैं, एयर भी होती है, लेकिन वो शेयर नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ इन द अपोजिट ऑफ दैट इंटरेस्ट. द नंबर 2 इज फॉर एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नंबर 1 के आप वो इंटरेस्ट शेयर नहीं कर सकते जिनके जो ट्रांसफ़र उन इंटरेस्ट के पोजिशन में हो जाएगा. नंबर 2 वो कंसिडरेशंस या वो ऑब्जेक्ट जिनको कॉन्ट्रैक्ट एक का सेक्शन नंबर 23 जो है इलीगल करार देता है या जो उस सेक्शन के प्रोविजंस के अंदर इलीगल है, तो वो कौन से जो अपना ट्रांसफ़र हैं जो कि इलीगल होते हैं, जिनमें वो किसी एक्ट के यानी कि वो एक्ट जो लेजिस्लेशन पास कर चुकी है, अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफ़र में ऐसी एक टर्म है जो उस एक्ट की जो है प्रोविजंस को हेड कर रही है या उनके अपोजिशन में जा रही है, तो वो भी आपका ट्रांसफ़र इलीगल हो जाएगा. या आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन इस तरीके से कर रहे हैं कि तीसरे बंदे की प्रॉपर्टी में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो भी आपका ट्रांसफ़र इलीगल हो जाएगा, वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. या तो आप फ्रॉडुलेंट या फ्रॉड करके किसी बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो डैट इज़ आल्सो इलीगल, आप फ्रॉड करके भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. या फिर जिसको कोर्ट इमोरल या इलीगल करार दे चुकी है या जिसको कोर्ट ये करार दे चुकी है कि डैट इज़ इन द अपोजिशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो भी आप चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अपोजिशन में होती है. तो इस तरह सेक्शन 23 डिफाइंस के कौन कौन से जो हैं अपना ट्रांसफ़र हैं या कंसिडरेशन हैं या एग्रीमेंट जो कि इलीगल होते हैं, उनके मुताबिक आप वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. नंबर 3 इज़ आर टू अ ट्रांसफरी, दैट इज नॉट नंबर 3 बट दैट इज आर टू अ ट्रांसफरी लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफरी. के वो ट्रांसफरी एक बंदा जो कि कोई चीज़ शेयर करता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरर. लेट सपोज कि मैं कोई अपनी चीज़ आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आई एम ट्रांसफरर, एंड जो ट्रांसफर रिसीव करता है दैट इज ट्रांसफरी. वो ट्रांसफरी या जो पर्सन जो कि डिस्क्वालीफाइड है टू बिकम अ ट्रांसफरी, आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरर हैं आप, यू आर कैपेबल टू ट्रांसफर एनीथिंग, जो उसको रिसीव कर रहा है वो लीगली डिस्क्वालीफाइड है, यानी कि वो या तो माइनर है या तो अपना अनसाउंड है या तो ल्यूनेटिक है. इस ऐसी कंडीशन में जो बंदा आएगा आप उसको कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, डैट इज़ एक्सेस.